इंदौर में कोरोना के करीब 32 मामले अभी तक यहाँ पे पॉजिटिव निकल चुके हैं और अभी जो नए मामले हैं उसमें 7 इंदौर के ही हैं और इसी के तहत इसी को लेके जो है जिला प्रशासन ने काफ़ी यहाँ पे रानीपुरा क्षेत्र में काफ़ी एक सिक्योरिटी लगाई है यहाँ पे और सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जा रहा है और यहाँ पे जो है जिला प्रशासन ने एक नई मुहिम शुरू की है आज से और यहाँ पे उन्होंने ये जो ड्रोन के माध्यम से यहाँ से ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र की ड्रोन के माध्यम से पूरी क्षेत्र की निगरानी रखेंगे और निगरानी रखने के साथ ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलियों में कहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है, कहाँ पे गलियों में कौन कौन लोग गलियों में खड़े हैं और उसी को लेके उन पे कार्रवाई करने का भी यहाँ पे बोला और करीबन 100 ये कई सैंपल अभी तक यहाँ आ चुके हैं और हमारे साथ में ADM साहब भी और यहाँ पे जो पूरी टीम यहाँ मौजूद है, जिला प्रशासन की पूरी टीम है, SP साहब हैं, SDM साहब हैं, ADM साहब है और पूरी जिला प्रशासन की टीम, SP साहब भी यहाँ मौजूद है और यहाँ पे पूरी टीम जो है जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे लगी हुई है, लगातार जो है जो पीड़ित जो लोग हैं यहाँ पे उनसे संपर्क किया जा रहा है साउंड के माध्यम से, लगातार जो पीड़ित लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और उनसे ये गुहार लगाई जा रही है कि कृपया आप लोग अपने अपने परिवार का ध्यान रखने, अपने घर के बाहर थोड़ा सा आने का कष्ट करें और जो लोग एक दूसरे से संपर्क में आए नहीं एक दूसरे से संपर्क में आए जो लोग वो कृपया यहाँ पर ना निकले और हमारे साथ यूसुफ कुरैशी जी हैं, SP साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर कि जो आज यहाँ पर ड्रोन से एक मॉनिटरिंग की जा रही है, किस प्रकार की मॉनिटरिंग रहेगी सर और क्या इससे लाभ मिलेगा? बेसिकली ड्रोन से मॉनिटरिंग करने का उद्देश्य यह है कि लोगों के मूवमेंट पे पुलिस नज़र रख सके ताकि एक व्यक्ति से संक्रमण दूसरे व्यक्ति में ना फैल सके और जो कंटेन करने का जो उद्देश्य है, जो मेडिकल उद्देश्य के तहत जो कंटेन किया गया है ताकि एक व्यक्ति से संक्रमण दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं भी कोई मूवमेंट होता है तो ड्रोन के माध्यम से उस पर नज़र रखी जा रही है और उसको जो है सख्ती से रोका जा रहा है। सर ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का मदद नहीं कर रहे हैं लोग, कल से पूरा प्रशासन लगा हुआ, उसके बाद भी अभी तक ये स्थिति है कि काफ़ी कम लोग यहाँ से निकल के आ पाएगा। जो भी इसमें मदद नहीं करेगा या जिसकी लापरवाही से भी जो इस प्रकार का संक्रमण फैलने की संभावना उत्पन्न होगी उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल भी इसमें इस प्रकार में FIR की गई है और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है या उसकी लापरवाही से इस प्रकार का संक्रमण फैल सकता है तो उसके विरुद्ध पुलिस कठोरतम वैधानिक कार्रवाई करेगी। ये आज जो है SP साहब ने पूरा बताया यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ का जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पे बैरिकेडिंग इसलिए किया गया कि कोई लोग जो है बाहर के लोग यहाँ पे ना आ पाएँ और यहाँ पे जो संक्रमण फैला है जो एक दूसरे से यहाँ पे लगा हुआ है अभी तक पुख्ता जो है किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से यहाँ पे संक्रमण फैला, लेकिन देखा जाए माना जाए तो काफ़ी आस पास के ही लोग हैं यहाँ के जो एक दूसरे से संक्रमित हुए हैं और ये जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग रख रहे हैं और ये देखने में आएगा कि अब किस प्रकार से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो दूसरे लोग जो बचे हुए हैं उन लोगों को निकालने में कामयाब होता है। इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।